मोहित हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। मोहित, आप जिस तरह से हमने देखा कि सर्वसम्मति से नाम पर मुहर लग गई, लेकिन हमने चुनाव जब चल रहा था कुछ वैध किए थे, क्योंकि हमारे कुछ कमीशन के रिजल्ट तैयार थे, और लगातार जब आदरणीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नड्डा जी ने हमें इस जिम्मेवारी को दिया, तो उस समय हमने एक संकल्प लिया था कि हरियाणा में 50,000 नौकरियों को हम बिना पर्ची खर्ची के देंगे। कुछ नौकरियों के ज्वाइनिंग लेटर हमने दिए, परंतु कुछ बच्चों के रिजल्ट्स तैयार थे, कमीशन ने तैयार किए थे, जो ही निकालने के लगे तो विपक्षी दल वो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गया और हाई कोर्ट में चला गया, तो उसके ऊपर रोक लगी थी। हमने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम सबसे पहले उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे, हम अपनी बात के ऊपर पूरा कायम है और बच्चों का वो रिजल्ट तैयार है। हमारे 24,000 बच्चे हैं, 24,000 बच्चों का कल ही जब सब्त होगा तो कमीशन का पूरा रिजल्ट तैयार है, वो उसको जारी कर देगा। ये हमारा जो वायदा था, उस वायदे को भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको पूरा करती है, और कल ही उन सभी 24,000 बच्चों के रिजल्ट जारी हो जाएंगे। तो हरियाणा के नए सीएम नायब सैनी है, और एक बार फिर से वो सीएम पद की शपथ लेंगे। सर्वसम्मति के साथ उनके नाम पर मुहर लगी है विधायक दल की बैठक में। मोहित हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। मोहित, कैबिनेट में कौन कौन हो सकता है, इसको लेकर भी क्या कहीं कोई खबर है? देखिए, कैबिनेट को लेकर अब तक कोई भी चर्चा इस मीटिंग में नहीं हुई है। इसमें सिर्फ बतौर विधायक दल के नेता और मुख्यमंत्री के पद के लिए जो नाम था उस पर ही एक ही प्रस्ताव, एक ही लाइन का रखा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनिल विज जो कि दावेदारी कर रहे थे मुख्यमंत्री की कुर्सी की, उन्होंने ही प्रस्ताव रखा। वो सीनियर मोस्ट विधायक हैं और उन्होंने प्रस्ताव रखा, और पूर्व मंत्री और विधायक कृष्ण बेदी ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया, जिसके बाद सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया गया। प्रस्ताव को लेकर कोई विशेष चर्चा नहीं हुई, किसी का कोई विरोध नहीं हुआ, और सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया है। लेकिन कैबिनेट में कौन लोग होंगे इसको लेकर अभी संशय बना हुआ है। हालांकि कुछ नाम है जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है, लेकिन अब तक फाइनल लिस्ट जारी नहीं की गई है। कल शपथ ग्रहण में माना जा रहा है कि 7 से 8 मंत्री सीएम के साथ शपथ ले सकते हैं, लेकिन उनके नाम क्या रहेंगे, कौन वो चेहरे होंगे, उसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि 15 से 16 विधायकों के नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें अनिल विज का भी नाम है, और उसके अलावा कुछ अन्य जाति के आधार पर भी कुछ जाति वर्ग से विशेष विधायक जो आते हैं, जो कि जीते हुए हैं 2 से 3 बार, उनके भी नामों को रखा गया है। तो अभी कैबिनेट के चेहरों को लेकर इस मीटिंग में कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि शाम तक उन नामों को भी फाइनल कर लिया जाएगा, क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह में माना जा रहा है कि 7 से 8 मंत्री शपथ ले सकते हैं। शुक्रिया मोहित आपका इस जानकारी के लिए।